है ना, ये आपका जाएगा है ना। तो जस्ट आपने बोला कॉसेक थीटा इज द 1/sin थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसको उतनी जानने की जरूरत नहीं, अभी बस आप यही ध्यान रखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और सबसे ज्यादा टेन थीटा यूज होगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाएगा, इसलिए आपका बेस हो जाएगा। अब ये एंगल अगर आपको पता है तो हम एक टेबल यहाँ पे बना सकते हैं जिससे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो वो टेबल मैं फॉर्म कर देता हूँ यहाँ पे, उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना होगा, है ना। टेंथ में तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही लोगे, लेकिन फिजिक्स में ये यूज होंगे एक्चुअली, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ कि अगर एंगल आपको पता है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। इस तरह से हम एंगल के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो पहला एंगल तो आपका हो जाएगा 0 डिग्री, फिर आपका हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। कि फिर जो यहाँ पे चीज होगी ये आपकी हो जाएगी 30 डिग्री, है ना। उसके बाद आपका रेशियो जो आएगा दैट इज योर 45 डिग्री, है ना। फिर आपका 60 डिग्री, और फिर 180 डिग्री, है ना। ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, है ना, कि जो भी मैंने वैल्यूज यहाँ पे बताई है वो वैल्यू पता होना चाहिए साइन कॉस एंड टेन की, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखता है उसमें, ये आपका आ गया इस तरह से, राइट। एक टेबल बनाओ, तो यहाँ पे तो मैं रेशियो लिख दूंगा, है ना, कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेसिकली, आपका रेशियो, है ना, कि किस रेशियो को हम यूज कर रहे हैं, साइन यूज कर रहे हैं या एक्चुअली में रेशियो ही तो है सारे। यहाँ पे आपका सबसे पहले लिख लो 0 डिग्री, यहाँ पे आप लिख लो 30 डिग्री, फिर आप लिख लो 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इतना ही आपको जरूरत है अभी, वैसे तो 180 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के अलग लॉज होते हैं जो कि आप पढ़ोगे बाद में, लेकिन फिलहाल आपको इसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। 0, 30, 45, 60 एंड 180 डिग्री, है ना, कि यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली आपका 180 डिग्री, है ना। तो अगर मैं साइन थीटा यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले साइन थीटा लिखता हूँ, तो जब थीटा जीरो होगा तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है, साइन 0 डिग्री इज जीरो। साइन 30 डिग्री जो होता है वो हाफ होता है, साइन 45 डिग्री जो होता है 1/√2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री जो होता है √3/2 होता है, एंड साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है ना। तो साइन जीरो भी जीरो है, 180 डिग्री भी जीरो है, बाकी की वैल्यूज ही है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉस थीटा पे। तो जो कॉस थीटा है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ध्यान रखना इसमें। कॉस 30 डिग्री की वही वैल्यू होती है जो 60 की होती है, तो कॉस 30 डिग्री इज द √3/2, 45 डिग्री 1/√2 ही होता है, और 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ध्यान रखना, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, 45 1/√2, और जो 60 डिग्री होगा ये आपका 1/2 हो जाएगा, और जो कॉस 180 डिग्री होगा ये -1 होता है ना। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपके -1। और अगर साइन कॉस पता है तो साइन और कॉस का रेशियो ही तो टेन थीटा होता है, तो मैं टेन थीटा इजीली लिख सकता हूँ। तो टेन 0 डिग्री तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0/1 0 हो जाएगा ना, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1/√3 आ जाएगा, है ना, कि 1/10 30 होगा, इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 60 में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, है ना। और 10 सॉरी इसमें एक एंगल मैं मिस कर गया, दैट इज योर 90 डिग्री, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसे, आपको 90 डिग्री की भी तो जानना होगा वैल्यूज क्या होती है ना। तो 90 डिग्री में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये √3 आ गया, और 180 डिग्री आपको पता है 0/1 0 ही हो जाएगा ये, है ना। अब 90 डिग्री जो होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, एस कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो जो 10 90 डिग्री होगा इन दोनों का रेशियो ही तो होगा, तो 1/0 इज इनफाइनाइट, है ना, कि किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज क्या जाती है, इसलिए आपकी इनफाइनाइट, है ना, कि ये जो चीज होगी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, कि भाई साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, और अलग अलग जो डिग्री हम ले रहे हैं इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, कि भाई अलग अलग डिग्री जो होता है उसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, राइट। तो लिख लो बस, तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए, क्योंकि बार बार मैं इसको यूज करूँगा। एक और भी स्पेशल एंगल होता है जो कि अभी तो ज़्यादा यूज नहीं होगा, है ना, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख ही देता हूँ। वो एक स्पेशल केस है, इसके टेबल में मत लिखो आप, कि कोई भी ट्राइंगल अगर ऐसा बने, है ना, कि भाई कोई भी ट्राइंगल अगर मैं इस तरह से बना दूँ कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, है ना, इस तरह से आपका
है ना, कि यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लें यहाँ पे, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका अगर ये साइड जो है 3 के इक्वल है, और इसका बेस अगर 4 के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूस ऑब्वियस बात है 5 हो जाएगा, 3 और 4 को स्क्वायर का ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो जब 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है तो ये जो एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होता है। अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, 37 डिग्री, है ना। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन 37 डिग्री, कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो आप जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो साइन 37 आपका 3/5 हो जाएगा। आपसे अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द कॉस 37 डिग्री, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस 4 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये 4/5 हो जाएगा, है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेन 37 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4 हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 3/4 हो जाएगा। ये सारे रेशियोज ही हैं, जैसे साइन थीटा मैंने 1/2 लिखा है, साइन 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर 1 होगा और जो इसका हाइपोटेन्यूस होगा वो 2 होगा, है ना। रेशियोज ही लिखे हैं मैंने इसमें, राइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एक पेज आपको जानना होता है ना, ओनली दिस पेज इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर स्टडी, है ना। तो ये जानना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, इजिली आप जान सकते हो इसे। ठीक है, आपके थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को ये सब ध्यान रखना आप इसमें, इस पेज को कहीं पे आप अच्छे से लिख के आप जहाँ पढ़ते हो नोटिस बोर्ड उसके ऊपर लगा लो, है ना, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट जगह पे लगा दो, ताकि बार बार आप जब इसको देखोगे ना तो आपको अपने आप ही वैल्यूज याद हो जाएंगी, है ना, कि अपने आप ही आपके टिप्स में आ जाएंगे कि इस एंगल की वैल्यूज बेसिकली आपकी इतनी होती है ना। फिलहाल आपको 9th में यही पेज रिक्वायर्ड है ना, इवन जब आप 10th में पढ़ भी लोगे तो भी यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी जो फिजिक्स में यूज होगी, है ना। तो आप आ गए, अब हम आ जाते हैं जो आपको पढ़ना था, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, है ना, कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, है ना, तो वो पढ़ लेते हैं इसमें। है ना, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है ना, उसके अगर हम बात करें, है ना, तो देखो हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में कुछ हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वी स्टडी फ्यू ग्राफ्स, है ना। मेनली जो 3 तरह के आप ग्राफ पढ़ते हो, वैसे ग्राफ तो कोई भी पॉसिबल है। पहला आप ग्राफ जो पढ़ते हो, वी स्टडी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, वी स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। और तीसरा जो ग्राफ आप पढ़ते हो, वी स्टडी एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सलेशन टाइम, ये आप, है ना। तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि मोशन तो देखो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो रहा है ना। जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, कि और ये इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना। तो ये क्या होगा कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, टाइम इज इक्वल टू 0 पे तो ये ऑरिजिन पे था, 1 सेकेंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, है ना, कि 1 सेकेंड में इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, बेसिकली आपकी 2 मीटर। तो 2 सेकेंड के बाद, है ना, ऑब्वियस बात है इसकी डिस्प्लेसमेंट आपकी चेंज हो जाएगी, तो अब ये जो करेगा वो आपका 6 मीटर कर लेगा, ये 6 मीटर पर पहुंच गया ओरिजिन से, है ना, कि 1 सेकेंड में बेसिकली आपका
2 मीटर, सॉरी 8 मीटर पे पहुंच गया, है ना। पहले सेकंड में इसने 2 मीटर अगर किया है तो दूसरे में कहाँ पहुंच जाएगा बेसिकली आपका, 8 मीटर पे, है ना। जस्ट मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, है ना, वैसे तो एग्जैक्ट ही होगा ये, लेकिन जस्ट यहाँ पे हम एज्यूमशंस ले रहे हैं, कोई भी रैंडम चीज ले लेना है। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 8 की है, मतलब 8 मीटर पे पहुंच गया कि पहले टी स्क्वायर 0 पे स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड में 2 पे, और ये फिर 8 मीटर पे पहुंच गया, है ना। अगले में भी पहुंच जाएगा ये, है ना, कि भाई इसमें हम अगला अगर ले लें राइट, तो ये आपका 10 इसमें और ऐड हो जाएगा, ये 18 मीटर पे आ जाएगा, है ना। 30 सेकंड के बाद ये कहाँ पे आ गया बेसिकली आपके, 18 मीटर पे, है ना। तो इस तरह से 2 8 से बेसिकली आपका ये ट्रेवल करता रहा, है ना, कि भाई इस तरह से ये क्या करेगा बेसिकली आपका ट्रेवल करता रहेगा ये, है ना। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूँ, बाद में तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग आप डिस्प्लेसमेंट ले लो और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम ले लो। वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया और एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम टी ले लिया। तो जब आप यहाँ पे 1 सेकंड पुट करोगे, है ना, तो ये आपका जो आएगा ये आपका 2 मीटर आ गया। जब आप यहाँ पे 2 सेकंड पुट करोगे, ये इंटरवल तो सेम ही है, तो यहाँ पे आपका ये जो चीज आ गई वो 8 मीटर आ गई। और जब आप यहाँ पे 3 सेकंड पुट करोगे, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो जो जिसकी पोजीशन जो चेंज हो गई है वो 18 मीटर पे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको और क्लैरिटी के साथ बनाते हैं, है ना, यहाँ पे नहीं बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा स्केल वाइज बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि यहाँ पे जस्ट हमने बोला कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम हो गया, ये टी, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पहले 1 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 2 मीटर हो गया, फिर 2 सेकंड के बाद ये आपका कहाँ पहुंच गया, 8 मीटर पे, यहाँ 8 मीटर में आ गया, और 3 सेकंड के बाद ये आपको पहुंच गया बेसिकली आपका 18 मीटर पे, यहाँ पे वहीं पहुंच जाएगा, है ना। तो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे ना, इन दोनों पॉइंट को ग्राफ को के लिए पॉइंट्स ही तो आते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे 2 सेकंड वाले को, तो ये आपका पॉइंट इस तरह से आ गया, और फिर आप 18 मीटर वाले को ज्वाइन करोगे, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना। अब इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन के लिए मैं आपको मेथड्स बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ किसी कर्व से, है ना, चूंकि हर इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, तो इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से आपका कर्व आ जाएगा, है ना, इस तरह से आपका कोई कर्व आ जाएगा ऐसे, है ना। मैंने स्केल पे नहीं बनाया इसलिए कर्व अलग सा आ रहा है, अदरवाइज ये कर्व आ जाएगा इस तरह से, है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि ये कर्व होगा, है ना। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये मतलब नहीं कि कोई बॉडी इसके अलोंग जा रही है, जा तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही रही है, लेकिन जस्ट मैंने हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट को मार्क करके स्ट्रोक को ज्वाइन किया तो एक कर्व आ गया, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो यही जो चीज हो जाएगी, दिस इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे बनता है, ये तो जस्ट मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, है ना, कि इस तरह से अगर ऐसा होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व बन जाएगा, है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे, तो उसको लिख लो, फिर अलग अलग केसेस को हम कंसिडर करते हैं। ये आपका गेस, है ना, तो ये जस्ट हम इसमें इसको डिफाइन कर देंगे, है ना, तो आपको राइट ये लिख लो। अब आता हूं कि अलग अलग केसेस में ये ग्राफ हम प्लॉट कैसे करें, ये तो जस्ट मैंने डिमोन्स्ट्रेट किया है ये सोचने के लिए ना, कई बार नहीं तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो कर्व बना है इसके अलॉन्ग बॉडी मूव कर रहा है, ये सब थोड़ी है, तो जस्ट ग्राफ है, बॉडी तो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर रही है,
है ना, कि बॉडी जो मूव कर रही हो किसके अलॉन्ग मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। ये तो जस्ट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना किसी भी स्ट्रेट लाइन मोशन का। तो वन बाई वन हम अगर देखें तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है ना, कि सबसे पहले अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अलग अलग ग्राफ हम अलग अलग केसेस का प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं बॉडी इज स्टेशनरी, बॉडी इज एट रेस्ट। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर बॉडी कहीं मूव ही नहीं कर रही है तो उसका स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। मतलब टाइम के साथ उसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रही, तभी तो रेस्ट पे है वो। रेस्ट की डेफिनेशन ही है कि किसी भी में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो बॉडी रेस्ट पे होती है, तो इसका जस्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं। और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी, और इसका ऑब्वियस बात है वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट पे हो है इस तरह से है ना, तो नॉर्मली वेलोसिटी की वैल्यूज की क्या, एक्सेलरेशन अभी जीरो मत करो आप, है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज हो जाएगी। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से हो जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, बॉडी जो हो सकता है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है ना। मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, कि कोई भी बॉडी अगर इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट है ना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल, है ना। और बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन में है तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और एक्सलेशन की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आपकी जीरो होती है ना। वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी कांस्टेंट, सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट, है ना। आप इसको पूरा लिख लो कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होगी, और इक्वल इंटर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल में होगा, और एक्सलेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो इसका कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? An acute angle. हाँ, acute angle, बिल्कुल सही है। Displacement versus time graph जो होगा ना वो आपका इस तरह से हो जाएगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना, कि आप उसको acute angle मत बोलो, बल्कि आप बोलो स्ट्रेट लाइन होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेज गाइंटाइज, इसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें इंक्लाइन लाइन हो जाएगी, और ये कोई acute angle बन जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही है, ये लाइन कुछ एंगल बनाएगी, है ना, क्योंकि वही जो है अगर हम पॉइंट लेंगे है ना, तो ये पॉइंट एकदम आइडेंटिकल्स होंगे ना, तो जब आप इसको आप ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ना। इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो? वीटी ग्राफ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, है ना, कि वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा कि भाई टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना, कि भाई इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो ये तो इंक्लाइन लाइन आ गया ऐसे। लेकिन अगर ये इंक्लाइन लाइन है तो ये वाला ग्राफ जो होगा ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा ऐसे, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ गया। ध्यान रखना कि क्या चीज का ग्राफ बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, और अब इससे बात है एक्सलेशन टाइम का तो हम प्लॉट करेंगे नहीं, क्योंकि एक्सलेशन तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जीरो हो जाएगा, है ना, कि एक्सलेशन की वैल्यू जीरो होगी तो प्लॉट करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो ये आपका हो गया बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड आ गया बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, कि अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, इन इक्वल इंटरवल,
है ना, कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस अगर वो इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रही है तो जो बॉडी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम एक कर्व हो जाएगा, है ना। और नॉर्मली हम इसको ऐसा ले रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में का पहला सब केस ले रहे हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट, है ना, कि वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो ना इस तरह से आपका एक कर्व हो जाता है ऐसा, है ना, कि एक कर्व आ जाएगा। आप ध्यान रखना कि जब भी कोई यूनिफॉर्म मोशन होगा तब तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होगी, ये चीज इस तरह से कर्व बन जाएगी, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा जब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज ए यूनिफॉर्म रेट हो रहा है। और इसका अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाऊं तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। जब भी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से मतलब अब इस केस में एक्सलेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सलेशन होता है। तो अगर इसमें हम एक्सलेशन वर्सेस टाइम बनाएं तो एक्सलेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है ना। तो एक्सलेशन की वैल्यू जब कॉन्स्टेंट होगी तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्सलेशन टाइम। तो ये ध्यान रखना आप इसमें कि अगर रेस्ट पे है तब तो बाकी ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहती है डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्लाइन लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एज ए कॉन्स्टेंट रेट से तो ये कर्व होता है एक, है ना, ये क्या होता है बेसिकली आपका कर्व होता है एक। और इसका वीटी जो ग्राफ होगा ना ये आपका इंक्लाइन लेट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे इसमें यूनिफॉर्म रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, और एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि ये जो एंगल होता है ना, जैसे इस तरह से कोई भी लाइन है थीटा, है ना, इस थीटा के जो टेन थीटा होता है, कोई भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन या कर्व का जो एंगल है टेन थीटा, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा इज नोन एज ए स्लोप ऑफ कर्व, या स्लोप सिंपल लिख लो, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। जो थीटा का टेन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका स्लोप हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान दो, इस केस में ये एंगल स्ट्रेट लाइन अगर कांस्टेंट है ना, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो कभी भी एंगल थीटा ही तो रहेगा, तो मतलब स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, हम लिखेंगे स्लोप इज कांस्टेंट, है ना, कि जब भी इस तरह से एंगल कांस्टेंट रहता है तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पे आप स्लोप देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप लूं तो ये कुछ कम है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसे स्लोप लेता हूं तो ये ज्यादा है, मतलब इसमें स्लोप बढ़ रहा है। तो जब कर्व होता है इस तरह से तो इसमें हम बोलते हैं दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, है ना। और अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो इसको हम बोलते हैं जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। तो ये स्लोप का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि जो भी थीटा एंगल है इसका जो टेन थीटा होगा उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर इस तरह से कोई कर्व होगा तो उसका स्लोप बढ़ेगा, तो इंक्रीजिंग स्लोप हो गया। अगर कोई इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी तो स्लोप है तो लेकिन वो कांस्टेंट है, तो ये आपका स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, है ना। अभी आपने पढ़ा टेन थीटा में अगर थीटा जीरो डिग्री ले लें तो टेन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका जीरो स्लोप हो जाएगा। तो एक स्लोप वर्ड है वो थोड़ा सा आपको जानना होगा, है ना, कर्व में वो काफी यूजफुल चीज होती है ना। तो ये आप लिख लो थोड़ा सा ऐसे। तो ये हमने लिया बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट है। अब हम डिक्रीजिंग पे भी आ जाएंगे, है ना, कि अब हम किस पे आ जाएंगे, बेसिकली आपके डिक्रीजिंग पे भी आ जाएंगे। ओके, ये हमने कर लिया इस तरह से, है ना। तो ये जस्ट आपने इसको ड्राइव कर लिया।
चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम इसमें, थर्ड के सेकंड पार्ट पे आप आ जाओ। है ना कि थर्ड के हम आ जाते हैं बेसिकली आपके सेकंड पार्ट पे। है ना, इसमें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। है ना, डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, है ना कि वेलोसिटी अब डिक्रीज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट होगा मतलब बॉडी रिटार्ड हो रही होगी, वो तो एक्सलेशन का केस था। इन दिस केस रिटार्डेशन इज कॉन्स्टेंट, रिटार्डेशन इज कॉन्स्टेंट, कि बॉडी की स्पीड अब टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम जब ग्राफ बनाऊंगा, है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कर्व का नेचर चेंज हो जाएगा। कि डिस्प्लेसमेंट टाइम जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो आप जो कर्व बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ऐसा दोनों कर्व में डिफरेंस आप समझना, है ना, कि एक बेसिकली आपका कॉनकेव कर्व है, दूसरा कॉन्वेक्स है। इस तरह के कर्व को हम कई बार कॉनकेव कर्व बोलते हैं। और जो दूसरा कर्व मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ये कॉन्वेक्स कर्व हो गया, है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। इसका अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, है ना, तो वेलोसिटी अब टाइम के साथ डिक्रीज होगी ना, तो मतलब किसी वेलोसिटी से यहाँ पे स्टार्ट होगा और टाइम के साथ ऐसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, है ना। और इसका एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो ध्यान रखना इसको हम ग्राफ में नीचे बनाते हैं। कोई भी चीज जब रिटार्डेशन निगेटिव होगा ना, तो इसको ग्राफ में हम यहाँ पे ऊपर नहीं बनाएंगे बल्कि नीचे बनाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे एक्सलेशन था, इंक्रीज हो रहा था, तो ग्राफ में आपने ऊपर बनाया इसको यहाँ पे, और आपने बोला जो भी एक्सलेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव है और कॉन्स्टेंट है ना, और इसमें जो एक्सलेशन की वैल्यू है वो निगेटिव है और कॉन्स्टेंट है ना, कि वैल्यू निगेटिव है और ये क्या है बेसिकली आपका कॉन्स्टेंट है ना। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज होती है, लेकिन आप समझ जाओगे, कोई ऐसा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो विल गेट टू नो। सर रिटार्डेशन ग्राफ में नीचे की बनाई जा रही है ना? नीचे किसी भी जैसे ग्राफ में ना क्वांटिटी जो निगेटिव होती है उसको हम ग्राफ के नीचे बनाते हैं। रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सलेशन हो गया ना, जी सर। निगेटिव एक्सलेशन का मतलब वो ग्राफ में नीचे बनेगा। ओके सर, थैंक यू। पॉजिटिव चीज इस टाइम एक्सेस के ऊपर बनती है, निगेटिव चीज जो होगी वो टाइम एक्सेस के नीचे बनेगी, है ना, कोई भी क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, कोई भी चीज़ हो, है। लेकिन अभी ये सब चीज़ हम पॉजिटिव ही रख रहे हैं, है ना, इसको बस हमने शो कर दिया ऐसे, तो कांस्टेंट है और नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना स्लोप का नेचर कैसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम स्लोप अब देखें, तो इस जगह पे आप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे तो कुछ थीटा एंगल आएगा, यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये थीटा कम हो जाएगा ना। तो इस नेचर का जो कर्व होता है उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। जैसे उस केस में इंक्रीजिंग स्लोप था, इस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप हो जाएगा। और ये जो है स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल चला जाता है ना, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, है ना। जैसे कोई भी एंगल अगर इस तरह से है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है ऐसे। लेकिन यही चीज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे चला जाए इधर कहीं पे, है ना, तो इसका जो स्लोप होता है वो निगेटिव होता है ना। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप हो गया, इस स्लोप को हम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जब चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव स्लोप, है ना। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है, ये स्लोप के बिना ये चीजें समझ पानी थोड़ी सी मुश्किल है। इसको हम पॉजिटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किए तीन केसेस के, है ना, इसको आप लिख लो थोड़ा सा एक बार फिर से। मैं इसको रिकैप करता हूँ अभी आपको, और सबको एक जगह समराइज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका केस है। तो मैं एक बार इसको रिकैप करता हूँ सारी चीजों को,
बॉडी रेस्ट पे है तो एक ही ग्राफ बनना है ये, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो दो बन जाएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, है ना। इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्रीजिंग में ये तीन ग्राफ और डिक्रीजिंग में तीन ग्राफ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को मैं एक साथ बता देता हूँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बता दूंगा आपको मैं, जिससे कि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, है ना। जैसे अभी आपने बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग स्लोप नेचर का होगा, है ना। इसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग स्लोप मतलब ऐसा हो जाएगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसमें वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। तो एक कॉन्स्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया। और इसका जो एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, कांस्टेंट हो गया, तो ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग का केस आ गया। ऐसी जो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा उसने बस ये ग्राफ का नेचर चेंज हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। और अब उसके बाद वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ आएगी, टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो रही है, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और इसका एक्सलेशन टाइम ग्राफ जो हम बनाएंगे वो ऊपर नहीं बनाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है, तो इस चीज को हम कहाँ बनाएंगे, बेसिकली आपका कॉन्स्टेंट तो है लेकिन इसकी वैल्यू निगेटिव है, माइनस है ना। तो ये दिस इज द इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी ये आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी आ जाएगा। अब यहां पे थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, जैसे एक्सलेशन जब पॉजिटिव होता है ना तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो कर्व है ये स्माइलिंग कर्व है, इसको एक नाम देते हैं हम स्माइलिंग कर्व, कि जब भी एक्सलेशन पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्माइलिंग कर्व बन जाएगा, स्माइलिंग कर्व। स्माइलिंग कर्व हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी कोई पर्सन इस तरह से हंस रहा होता है तो उसका चेहरा ऐसा होता है ना, कोई भी पर्सन है जब ये हंस रहा होगा, है ना, तो उसका चेहरा ऐसा हो जाएगा ना, स्माइल करेगा, तो एक कॉनकेव नेचर का कर्व बन जाएगा। और जब भी एक्सलेशन निगेटिव होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा ये काफ़ी यूजफुल होगा, जब ग्राफ हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो एक सैड कर्व होता है। सैड कर्व मतलब इंक्रीजिंग स्लोप वाले को हम स्माइलिंग कर्व बोलते हैं और डिक्रीजिंग स्लोप वाले को हम क्या बोलते हैं, सैड कर्व बोलते हैं। सैड कर्व बोलने का भी रीजन है, इस तरह से पर्सन जब कोई सैड होगा, है ना, तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा बन जाएगा, है ना, इस तरह से सेट कर ये स्माइलिंग कर। तो ध्यान रखना एक्सलेशन से डिसाइड होता है, एक्सलेशन पॉजिटिव है तो स्माइलिंग कर बन जाएगा, और एक्सलेशन अगर निगेटिव है तो एक ऐसे कर बन जाएगा, इसलिए आपका सेट कर, है ना। तो इससे ग्राफ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो इसको लिख लो पहले। ठीक, ये हमने कर लिया, है ना। तो अब एक चीज आ जाती है कि दैट इज एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में हम कैसे जाएं। वैसे तो यही है कन्वर्जन, कि जब ये स्माइलिंग कर्व होगा तो ये इस तरह से इंक्लाइन लाइन होगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जब ये सैड कर्व होगा तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी और ये निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम एक इसको
एक दूसरे में कन्वर्जन के लिए एनालाइज कर लेते हैं, बस एक लाइन का कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो कंसेप्ट है सिर्फ एक लाइन का। यस, है ना, उसी को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं स्लोप स्लोप वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई आपको, है ना, कि स्लोप स्लोप वर्ड बार बार बोलने का मतलब ये है कि ये आ जाएगा आपको। तो जैसे मैं जस्ट इस तरह से बोलूंगा कि यहाँ पे कहीं भी आपको अगर कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, इसको जरा ठीक से बनाते हैं, है कहीं पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है आपको, है ना, कि कहीं पे भी आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप ले लूं तो वेलोसिटी आ जाएगी उससे, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी होती है, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर हम स्लोप ले लें, है ना, तो इससे आपका वेलोसिटी टाइम आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम, और वेलोसिटी टाइम का अगर मैं स्लोप ले लूं, है ना, तो इससे एक्सलेशन टाइम आ जाएगा, इससे जो ग्राफ आएगा कौन सा ग्राफ आ जाएगा, एक्सलेशन वर्सेस टाइम, एक्सलेशन टाइम, है ना, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो होता है वो एक्सलेशन होता है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब जब भी हम वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही तो लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही हो जाएगा, कि भाई जब भी आप लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेंगे परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा टाइम, है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो आपका टेन थीटा या स्लोप होता है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप जो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो जाएगी, है ना, क्योंकि स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और एक्सलेशन की वैल्यू हम जानते हैं वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप ले लूंगा तो वो एक्सलेशन आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस ही, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप लेंगे तो एक्सलेशन आ जाएगा। इसी का उल्टा, अगर मुझे एक्सलेशन वर्सेस टाइम पता है उससे वेलोसिटी निकालना है तो इससे आपको एरिया लेना होता है, है ना, एरिया अंडर कर्व, ये कैसे यूज होगा मैं बताऊंगा आपको, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इससे भी आपको एरिया अंडर कर्व लेना, एरिया अंडर कर्व, है ना, क्या चीज होती है आई विल एक्सप्लेन। तो सिंपल सा मैं इस चीज को अगर समराइज करूं तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, दैट इज द चार लाइन स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट, इज वेलोसिटी, पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरा हो जाएगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, इज एक्सेलरेशन, है ना, और ये तो स्लोप ले लिया हमने, अब एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ, है ना, एटी ग्राफ इज वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी लिख लो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, इज चेंज इन वेलोसिटी, कि एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जब हम एरिया लेंगे तो वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, और फोर्थ में आ जाएगा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल सा ये चार लाइन का कंसेप्ट है, जो भी आपने पढ़ा अगर आपको वो सारी चीजें उतनी नहीं आई फिर भी आपको ये चीजें चारों पता है तो मतलब आपका काम हो गया, है ना, इसी पे आपको कंसंट्रेट करना है ना, इसी चीज पे आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम का आपका स्लोप वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप का एक्सलेशन हो जाएगा, उल्टा जब जाएंगे तो इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी, इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना, तो इस ट्रांसफॉर्म चीजों को क्या करते हैं, इसलिए आपका एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, है ना, तो ये आपका थोड़ा सा ये चार लाइन का कंसेप्ट है, ये जानना। इसका एग्जांपल सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ
कि सपोज मैंने बोला है ना, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे, कि एक कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो किसी ने बोला कि इस ग्राफ को देख के आप बताओ कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के आप ग्राफ से, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर एंगल 30 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा बता दो बेटा, बता रहे हो कि इसको देख के अगर ये एंगल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 30 डिग्री है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाँ वेलोसिटी हो जाएगी स्लोप, अभी आपने बोला कि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी मतलब स्लोप हो जाएगा, और स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, मतलब टेन 30 डिग्री वेलोसिटी होगी, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप टेबल में से जाके देख लो, अभी अगर आपको याद नहीं भी है तो आप टेबल में चले जाओ पीछे, है ना, कि स्टार्टिंग में जो आपने टेबल बनाया था उसमें देख लो, टेन थीटा में थीटा 30 डिग्री 1/√3, है ना, कि 30 डिग्री कितनी हो जाएगी बेसिकली आपकी 1/√3, है ना, तो हम बोलेंगे टेन 30 डिग्री मीन्स वेलोसिटी 1/√3 m/s हो जाएगी। हो गया, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी होती है, और अगर स्लोप वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है, स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, तो टेन 30 डिग्री 1/√3 होगा, 1/√3 m/s वेलोसिटी होगी, है ना। अगर कहीं पे इस तरह से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी बॉडी के मोशन का, है ना, और ये वाला एंगल कुछ चेंज कर दिया इसने, इसने बोला 45 डिग्री एंगल है, तो आपसे बोला कि फाइंड आउट एक्सलेशन, इसको देख के एक्सलेशन कितना हो जाएगा, अभी आपने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सलेशन होता है, तो एक्सलेशन का मतलब स्लोप हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, और जब टेबल में से आप देखोगे तो 10 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 m/s² एक्सलेशन हो जाएगा, तो स्लोप का मतलब ये होता है कि एंगल जो दिया है उसका जब 10 थीटा लेते हैं तो उसी को हम स्लोप बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन हो जाएगा, पहले दो लाइन का मतलब हुई है ना, तो एक्सलेशन। है ना, तो ये देख लो थोड़ा ठीक से आप, है ना, तो ये आपने लिख लिया राइट। अब इससे जो है ना एक और चीज आपको जाननी होती है, ये तो आपने स्लोप और एरिया का कंसेप्ट पढ़ा, इसको जैसे कैसे यूज करेंगे हम, है ना, तो मैं थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ, इससे हम ना इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली कैसे डिराइव करेंगे, है ना, तो उसी चीज को जो मैंने स्लोप एंड एरिया बताया उसको यूज कर लेंगे हम इसमें, तो उससे आप और ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे, है ना। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम पढ़ते हैं, है ना, तो वी स्टडी द ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना,
इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन कैसा होगा, है ना। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब वही थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती थी ना कि टी स्क्वल टू जीरो पे कोई पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होती थी, इसमें एक्सलेशन लगता था, है ना, और एक्सलेशन लगता था तो इसकी स्पीड बढ़ के किसी टी टाइम में भी हो जाती थी, है ना, किसी भी टी टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी होती जाती थी वी, और इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो जाता था, है ना, ये सिचुएशन होती थी, इसी के लिए तो हम इक्वेशन ऑफ वो मोशन पढ़ते थे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफिकली ड्राइव करूँगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसका पूरी सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लूंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो भाई इस सिचुएशन का अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊँ तो कैसा बनेगा, तो पहले t इक्वल टू जब जीरो था तो वेलोसिटी जीरो नहीं थी बल्कि u थी, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, अब तक मैं जीरो लेके चल रहा था तो इसलिए ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा था, t इक्वल टू जीरो जब होगा तो वेलोसिटी u थी, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके बाद एक्सलेशन हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी ऐसे यूनिफॉर्म रेट से, और यहाँ हम पहुँच गए, है ना, कि ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, बेसिकली आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, कि आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, कि आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इस तरह से, है ना, कि इस तरह से आपने वेलोसिटी वर्सेस एक टाइम ग्राफ बना लिया, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है। तो पहले था किसी टी टाइम पे, अब इसकी वी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, जी तो सिचुएशन थी, है ना, कि पहले यू था फिर वेलोसिटी वी होगी किसी टी टाइम में, और ये जो बीच का गैप होगा ये वी और यू का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वी माइनस यू, और ये हो जाएगा टाइम टी, है ना, किसी टी टाइम में ऐसा हो गया, है ना। तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दो कि सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स में आता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ड्राइव करता हूँ। तो मैं इस ग्राफ को लूंगा तो मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ क्या होता है एक्सलेशन, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सलरेशन, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होता है एक्सलेशन होता है। तो जब मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ एक्सलेशन लिखूंगा तो एक्सलेशन की वैल्यू जो होती है, इसको कुछ ए बी सी डी नाम भी ले लो आप इस तरह से, है ना, कि ये पॉइंट आपका ए है या रहने दो नाम, मतलब एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्सलेशन क्या हो जाएगा स्लोप ही तो है, स्लोप क्या हमेशा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो स्लोप को हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, स्लोप जो होता है इसका मतलब होता है टेन थीटा और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले लूँ तो इसका स्लोप ही एक्सलेशन होगा, तो परपेंडिकुलर तो वी माइनस यू हो गया, बेस टी हो गया, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू बाई टी, है ना, परपेंडिकुलर आपने v माइनस यू ले लिया, बेस आपका टाइम ले लिया, तो इससे फर्स्ट इक्वेशन आ तो गई। इसी को रेशफल करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाएगा, या v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा। तो जस्ट आपने बोला एक्सलेशन इक्वल टू हो जाएगा स्लोप, स्लोप का मतलब टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, तो फर्स्ट आ गया। सेकेंड ड्राइव करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने पढ़ा है एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो मतलब इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, नेसेसरी नहीं तो ये उस डायग्राम को खराब करेगा, है ना, तो एक अलग से डायग्राम ले लेते हैं हम, ये आपका हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम ग्राफ को हम फिर से प्लॉट कर रहे हैं यू से वी तक, है ना, यहाँ पे टाइम टी हो गया, यहाँ पे यू वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आपकी वी हो गई, है ना, तो आपको पता है कि ये जो चीज होगी ये आपका वी माइनस यू हो जाएगा, और ये वाला जो बेस है वो टाइम है
है ना, ये जो पूरी चीज है वो टाइम टी है ना, तो इसका एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया का मतलब ये पूरा एरिया अगर मैं निकाल लूँ, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया दोनों अलग अलग ले लूँ, तो ये एरिया ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। एरिया क्या ले लेंगे, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब मैं इसके एरिया निकालूंगा, एस डिस्प्लेसमेंट एस होता है, तो मैं लिखूंगा एस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप देखो ये जो रेक्टेंगल नीचे था इसका एरिया हम लिख लेंगे भाई, परपेंडिकुलर तो इसका यू है, हाइट इसकी एक लेंथ यू है और बेस इसका टी है, तो एरिया यू और टी को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो एस की वैल्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपका यू टी आ गया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का एरिया ये वाले यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह पे तो टाइम टी आ गया और हाइट की जगह पे आपका आ गया वी माइनस यू। लेकिन इससे ये चीज ड्राइव कहाँ हुई अभी, लेकिन अभी आप देखो ये वी माइनस यू की वैल्यू ए टी के इक्वल होती है ना, यहाँ पुट कर दो इसे आप सीधे ले जाकर। पहले भी आपने ये किया था कि आपने बोला इसके एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक रेक्टेंगल का एरिया यू टी ले लिया और उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दिया और वी माइनस यू की वैल्यू ए टी पुट कर दी, आपका फॉर्मूला आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, यही आपका सेकंड होता है। तो वी टी ग्राफ के स्लोप से फर्स्ट आ गया, वी टी ग्राफ की एरिया से आपका सेकंड आ गया, एक थर्ड भी निकाल लेते हैं, पहले आप इसको लिख लो। मतलब जो बुक्स में आप देखोगे तो बहुत लेबलिंग करके दिया होगा, ए बी सी डी सब मार्क किया होगा, मैंने थोड़ा सीधे कर दिया आपको, है ना, वो ए बी सी डी अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा आपको। है ना, ये लिख लो थोड़ा सा फिर मैं बताता हूँ आपको। सर हाउ डिड टी स्क्वायर कम इन द लास्ट इक्वेशन, अभी बता रहा हूँ मैं आपको बेटा। वी माइनस यू की जगह पे यू पुट दे ए टी, तो पहले एक टी तो था ही और वी माइनस, ओके सर ओके, पुट करोगे तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वो भी माइनस यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना आपको, तो आपका आ गया सेकंड आ गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं, हाउ टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, है ना, कि हाउ टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन, ये भी एकदम आसान है, पहले भी आपने इसके डेरिवेशन पढ़ा है लेकिन ग्राफिकली नहीं पढ़ा है, है ना, आपके एग्जाम में ग्राफिकली मेथड आता है ना, कि ग्राफिकली कैसे इसका डेरिवेशन जाएगा, उस टाइम हमने डिफरेंट मेथड से किया था, है ना, पहले भी डेरिवेशन किया हमने। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के ऊपर, है ना, वी कम फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, सेम डायग्राम ना लो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही, इसी से तीनों ड्राइव होते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और इसका ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, है ना, कि भाई यू से स्टार्ट होकर फाइनल वेलोसिटी इसकी वी होगी,
और इसको जो टाइम लगा वो कितना लग गया, बेसिकली आपका टी लग गया है। तो देखो आपने पहले अभी जो एरिया निकाला था ना, अभी भी हम वही लिखेंगे क्योंकि इसमें भी तो डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है ना। एरिया ऑफ वी टी कर्व, वी टी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन यहां पे जब हम एरिया लेंगे ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेंगे सीधे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का सम नहीं करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हम जानते ही हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है आपका, हाफ साइड वन पे साइड। हाँ साइड वन प्लस साइड टू, तो ये साइड तो यू हो गया और ये वाला पूरा जो था वो वी था, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा यू प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैट टी इंटू टी आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का ये भी तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था एक, कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, है ना। तो ट्रेपेजियम का एरिया लेंगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन आपको तो निकालना ये वाला है, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। आप देखो जो एक्सटेंशन होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है ना, तो यहां से टाइम की वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर, टाइम यहां पुट कर सकते हैं ना। तो टाइम की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, v प्लस यू बाई टू को आप ऐसे छोड़ दो क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, इसलिए टाइम को हटाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो जैसे मैं टाइम की पुट करूंगा वैल्यू ये आपका कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाई, है ना। इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू अगर हम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा, और इस टाइम की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया। अब इससे सॉल्व हो जाएगा, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, टू ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गया, प्लस टू एस ये आपका आ गया, है ना। तो अभी एरिया से ही आता है, बस वही है कि जब सेकेंड ड्राइव कर रहे थे आप, तो आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल और रेक्टेंगल अलग अलग करके ले लिया था, और जब थर्ड ड्राइव कर रहे थे तो उसी को आपने एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम से ले लिया, तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगा आपका, है ना। तो ये ग्राफिकल मेथड से हमने इसको क्या किया है, डिराइव किया है ना। तो ग्राफिकल मेथड से आपने क्या किया, इसको डिराइव किया है। ठीक है, ये आपका इस तरह से। तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आइडिया लिया, और ग्राफ से कैसे हम ये तीनों इक्वेशन ड्राइव करते हैं वो आपने देख लिया। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेना, तो उसमें प्रॉपर लेवलिंग वेवलिंग करके दिया होगा, ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल,
है ना, ट्रेक्टेंगल मैंने सीधे लिख दिया है ना, थोड़ा सा ना स्कूल के एग्जामिनेशन और नीट में ही डिफरेंस है। स्कूल के एग्जामिनेशन में जितना लिख सकते हो उतना अच्छे से लिखो एवरी स्टेप्स, है ना, और नीट में सब चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में करनी होती है, जल्दी करना होता है उसमें, तो उतने ज्यादा स्टेप्स वगैरह की इंपॉर्टेंस नहीं होती। लेकिन स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर आपने इस तरह से स्टेप्स मिस किए तो फिर मार्क्स कट कर लेंगे। उसे पूरा स्टेप लिखते हैं जो जो आपने किया है, जो भी कर रहे हो मन में आ रहा हो लिख दो वहाँ पे, है ना, तो आपका इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, आई टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, देखता हूँ कोई अगर न्यूमेरिकल मेरे पास रिलेवेंट है तो लेते हैं। जैसे इस तरह के वर्ड्स वाले कोई क्वेश्चन है ना, मैं भी दे रहा हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट, सारे ग्राफ के सब करेंगे हम। हाँ ये नहीं करो अभी, आप थोड़ा सा मैं आसान करना चाह रहा हूँ। हाँ ये कर सकते हैं इसमें, ये थोड़ा सा सोचो आप इसके बारे में जरा कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। इसमें कोई इक्वेशन नहीं यूज करना है, सिर्फ ग्राफ से करना है अपने, यू हैव टू यूज द ग्राफ ओनली। ओके, अभी इस क्वेश्चन को मत करो आप, पहले मैं एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ उसको अटेम्प्ट कर लो आप, है ना, देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। मैं अ फ्यू क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ अभी, वेट फॉर अ मोमेंट, उसमें थोड़ी कमांड हो जाएगी तो इसको करना आसान होगा आपके लिए, है ना। मैं अभी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ देयर इज अ थ्री क्वेश्चन, वो मैं करता हूँ अभी, वेट फॉर अ मोमेंट, उसके थ्रू ज्यादा आसान होगा आपको। बाद में ये वर्ड्स वाले करेंगे। हाँ यू कैन गो फॉर दिस दीज क्वेश्चंस। हाँ ये क्वेश्चंस कर लो, ये थ्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, जो आंसर आ रहा है मेरे से शेयर करो।
ओके मैं तीनों क्वेश्चन को स्प्लिट कर देता हूँ तो आपको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा, तीनों क्वेश्चन स्प्लिट कर देते हैं, पहले इसको सॉल्व करो आप, है ना, इग्नोर दिस, कहाँ आया था, कैसे आया था, हमें क्या करना है इससे, आपको आना चाहिए। पोजीशन टाइम मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड पोजीशन टाइम सेम चीज होती है ना, तो इसमें कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा? भी आपका आंसर सही था, आपने क्यों उसको किया ऐसे, पहले वाला आंसर भी सही था, पहले वाला आंसर भी सही था आपका। सही मतलब दो ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, है ना, सही बोल रहे हो, इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट नहीं है बल्कि दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके, है ना, क्योंकि आपको पता है ये तो स्माइलिंग कर्व है ना, तो इसमें तो एक्सेशन होगा, जीरो नहीं होगा, एक्सेशन पॉजिटिव होगा, ये सैड कर्व है तो इसमें एक्सेशन नेगेटिव होगा, इसमें एक्सेशन जीरो हो सकता है, कि जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेशन जीरो, और डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज नहीं हो रहा है तब तो होगा ही, है ना, इस केस में तो एक्सेशन जीरो होगा ही, तो आप फॉर ए मोमेंट सी और डी दोनों बोल सकते, किसी और ही तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, इसमें पहले दोनों नहीं होंगे, है ना, ध्यान कर लिया सर। चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आता हूँ, चलो ये यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इग्नोर दिस, अभी आप वो लिस्ट यूज कर सकते हो, सही है, श्रेया शर्मा एंड सौम्य त्यागी और आंसर आर करेक्ट, रिवी योर आंसर इज करेक्ट,
सही बता रहे हो, इन्होंने काफी लोगों ने सही आंसर बोला है, डी फॉर डेली ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मुझे निकालनी है वेलोसिटी क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है या जो टेन थीटा होता है, यही तो वेलोसिटी होती है ना। तो मतलब वेलोसिटी निकालने का मतलब है कि जैसे वी वन और वी टू का रेशियो मुझे बताना है दोनों केस में, मतलब आपको यहाँ बताना है कि एक एंगल अगर थीटा वन है और दूसरा एंगल थीटा टू है तो उसका रेशियो क्या होगा, है ना, कि एक एंगल 30 है दूसरा 45 है तो उसका रेशियो क्या होगा। थीटा वन की जगह पे आप पुट कर दो यहाँ पे 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री लिखा है तो उसको लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई वी टू आ जाएगा 10 45। अपनी टेबल में देख लो, 30 डिग्री आपका होता है 1/√3 और 45 डिग्री वन होता है, 1/√3 आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्लोप ही वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का रेशियो मतलब 10 थीटा का रेशियो, बात एक ही होती है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, तो इसलिए हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी जाननी थी इस बार। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इग्नोर दिस। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, यही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये तो आ जाना चाहिए, फटाफट सॉल्व करो। हाँ चेक करना पड़ेगा निहारिका मुझे, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दीवी सही है आपका,
And Niharika, your answer is also correct. है ना, सही है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा है ऑलमोस्ट, एकदम पेशेंस के साथ इसको देख लेना आप लोग, कई बार क्लास खत्म होने की जल्दी होती है ना, तो जल्दी नहीं बचा। देखो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है, तो हम बोलते हैं एरिया स्पीड टाइम कर्व इज डिस्टेंस, है ना, स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस होता है। मतलब आपको ये एरिया निकालना है पूरा, ये एरिया स्प्लिट करके मत निकालो, इकट्ठे निकाल लो। बट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अलग अलग थोड़ी निकालेंगे, सीधे निकाल लेंगे पूरे का, ये तो एक मिनट में हो जाएगा। तो एरिया जो निकालोगे इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हाफ इंटू बेस, बेस पूरा टाइम ले लो, 3 सेकंड में निकालना है ना आपको, तो इंटू 3 ले लो। एंड हाइट, हाइट ऑफ द ट्रायंगल जो है 1.5 है, तो आ गया आंसर। भाई इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ही तो डिस्टेंस होगा, पूरा एरिया ले लो। ऐसे नहीं करना कि ट्रायंगल का लिया, ट्रेपेजियम का लिया, फिर ट्रायंगल का लिया, सबको ऐड कर रहे हैं। उसने तो पूरा 3 सेकंड बोला हुआ है ना, अगर वो बोलता था कि 1 सेकंड में कितना होगा तब फिर अलग अलग करते, 2 सेकंड में कितना होगा, ये तो पूरा बोल रहे हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू 1.5 है, तो इससे सॉल्व करके आपका 9/4 मीटर आ जाएगा। बस वही डिसाइड करना है कहाँ स्लोप लेना है, कहाँ एरिया लेना है, और स्लोप एरिया के लिए मैंने आपको लिस्ट बनाया हुआ है जो एक फ्लो चार्ट था, उसको यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ओके, हमने कर लिया, कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतने काफी है। कंप्लीट योर मॉड्यूल एक्सेप्ट सर्कुलर मोशन, यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ऑफ द मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी। बस आपका अब एक ही टॉपिक बच गया, वैसे तो ग्राफ में अभी और भी बताऊंगा, लेकिन आपका जो टॉपिक वाइज बच गया है ओनली सर्कुलर मोशन इज लेफ्ट। ओके सर, है ना, आप बाकी पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लो और जो डाउट्स है वो पूछो। बाय 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 बाय।